देखिए यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब आपको प्राइम फैक्टर के रूप में हर नंबर जो यहाँ पर दिया है 140, 156, 3825, 5005 और 7429, इनको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में बदलना है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला है 140। इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 140 का हम इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। तो पहले 2 से जाएगा 70 बार में, फिर आपका 2 से जाएगा 35 बार में, फिर आपका कितने से जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार में। अब जो है फैक्टर नहीं जाएगा, इसको हम 7 से एक बार में ले जा सकते हैं। 140 का फैक्टर क्या आ जाएगा, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 7। हम 2 × 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2³ × 5 × 7। ये आपका क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया किसका, 140 का। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 156 का निकालने के लिए, 156 का, तो देखिए 156 का निकालेंगे तो इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले 2 से कटाएंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2³ = 6 और 2 × 9 = 18। अब फिर अब 3 से कटाएंगे तो यहाँ 13³ = 39 हो जाएगा, और फिर इसको हम 13 से कटाएंगे तो 13³ = 13। तो 156 का क्या लिख सकते हैं, 2³ × 2³³ × 3³। ये किसका आ गया, तो ये आ गया आपका 156 का। उसी प्रकार 3825 का निकालेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 3825। तो यहाँ से आप 3825 का फैक्टर करेंगे तो पहले आपका 3 से कटेगा तो 3 × 3 = 3, 3² = 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। यहाँ पर 3 से कट गया, अब किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3² = 12, 3² = 6 और 3 × 5 = 15। फिर आपका 5 से कटेगा तो यहाँ से हम 5 से कटाएंगे तो 5² = 48 और 50² = 25। फिर आपका जो है 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 किससे कटेगा, तो ये आपका 17 से कटेगा। यानी कि 1325 का फैक्टर कितना आ गया, तो 3² × 5² × क्या आ जाएगा, 17। ये तीसरा हो गया। अब चौथा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चौथा हमारा क्या दिया गया है, 5005 दिया गया है। अब देखिए 5005 का हम फैक्टर करेंगे तो ये पहले ये आपका 5 से कटेगा तो 100, फिर 1 आ जाएगा, और फिर आपका जो है 7 से कटेगा, 7² = 7, फिर 3 बचा और 0 बचा, यानी कि 7² = 7 फिर हो जाएगा, यहाँ पर 7 तो 10 में से 7 गया 3, और 3 और 0 यानी कि 30 बचा, तो 7² = 28, 28 ही फिर 2 बचेगा और 1 बचेगा, यानी कि 17² = 21 हो जाएगा, यानी कि 143। अब ये किससे कटेगा, तो आपका यहाँ पर अब 11 से कटेगा, 11² = 11 और 11³ = 33, और 13 को 13 से कटेगा, तो 5005 का जो फैक्टर आया ये कितना आया, 5 × 7 × 11 × 13, ये किसका आ गया, 5005 का। अब एक हमारा 7429 बचा, इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पहले वाले को जो है मिटा देता हूँ, और यहाँ पर हम करेंगे चौथा वाला, भले पांचवा वाला। तो पांचवा वाला हमारा क्या दिया गया है, तो पांचवा दिया गया है 7429। तो देखिए 7429 है, ये आपका पहले किससे कटेगा, तो ये आपका 17 से कटेगा, ये आपका 17 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका जो है 17 × 34 = 34 × 68, यानी कि यहाँ पर आपका 4 बार में 17 से 4 बार में कटेगा, 68 आएगा, तो 6 और 2 = 62, तो 62 × 17 = 51 कितना हो जाएगा, 51। तो अब बचेगा आपका 62 में से 51 गया तो 11 बचेगा, और 11 यानी कि 119 किससे कटेगा, तो 17 × 7 करेंगे तो 119 यानी कि 7 से कट जाएगा। फिर आपका किससे कटेगा, तो अब आपका 19 से कटेगा, तो 19² कितना होता है, 38 होता है, 19² कितना होता है, 38। यहाँ पर 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 7 है यानी कि 57। तो 19 कितना होता है, 57। तो 19 से 23 बार में कटा, तो यहाँ पर जो अब 23 जो है अब किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 23 को हम 1 से कटा सकते हैं, 23 से ही कटा सकते हैं। तो 7429 का क्या फैक्टर आया, तो 17 × 19 × 23, ये आपका 7000। तो ये आपका चारों का जो है मैंने फैक्टर बता दिया।